ओके, लास्ट टाइम सेल शुरू किया था हमने एंड देन वी स्टडीड के सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स हैं और वो क्या काम करते हैं, है ना। और तब हमने बोला था कि एक ऑर्गेनल ऐसा है जो सेल डिवीजन में काम आता है। कौन सा ऑर्गेनल था वो? सेंट्रियोल थे, है ना। तो सेंट्रियोल क्या करते हैं? दे हेल्प इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन मतलब क्या? सेल डिवीजन का मतलब है जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना रहा है। अच्छा, तो सेल डिवाइड ही होता रहेगा क्या? नॉट ऑलवेज, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल एक साइकिल फॉलो करता है। कौन सी साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स। द सेल डुप्लीकेट्स का मतलब क्या हुआ? जब सेल ने दूसरी कॉपी बनाई अपने आप की, दैट इज नोन एज सेल ड्यूप्लीकेशन। इट्स जीनोम एंड सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। तो जब सेल ड्यूप्लीकेट कर रहा है, बेसिकली क्या ड्यूप्लीकेट कर रहा है? उसका जीनोम ड्यूप्लीकेट कर रहा है। जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम का मतलब है द सेट ऑफ ऑल द जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन इट्स क्रोमोजोम और इन इट्स न्यूक्लियस। तो सेल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर है? उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स हैं। क्रोमोजोम्स के अंदर उसका इंफॉर्मेशन है, और वो पूरा जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बोलेंगे जीनोम। मतलब जीनोम मतलब पूरी की पूरी बुक, जैसे आपकी पूरी बायोलॉजी की 11th स्टैंडर्ड की बुक। उसमें फिर अलग अलग चैप्टर्स हैं, सेल साइकिल है, सेल है, नर्वस सिस्टम है, मस्क्यूलर सिस्टम है। तो वो क्या हो गए? वो अलग अलग जीन्स हो गए। वो अलग अलग जीन्स क्या करेंगे? अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन हम जब सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोम। जीनोम का मतलब क्लियर है? पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो आपके सेल के अंदर है उसको ड्यूप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब सेल डिवाइड हो रहा है तब क्या होगा? दोनों सेल के पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि प्रोटीन कैसे बनाना है। तो वो इंफॉर्मेशन दोनों सेल के पास कैसे आएगा? जेरॉक्स निकालने के बाद आएगा। तो सपोज ये बुक है, और मुझे ये बुक आपने तो पढ़ ली, आने वाली क्लास को भी मुझे सेम बुक पढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगी? ये बुक का जेरॉक्स कॉपी निकालूंगी, है ना। तो सेम इंफॉर्मेशन उनके पास भी जाएगा, सेम इंफॉर्मेशन आपके पास भी रहेगा। इसको बोलते हैं ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम। इतना क्लियर है? ओके, नाउ व्हेन यू से ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम, इसमें सारे के सारे जीन्स आ गए, और ये जीन्स के अंदर क्या है? ये जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन है टू मेक सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो, जब एक सेल में से दो सेल बनते हैं, दूसरे सेल के अंदर सब कुछ होना चाहिए ना। क्या क्या होना चाहिए बताओ? कौन से ऑर्गेनल्स होने चाहिए? क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, पेरिसायटोम, सब कुछ होना चाहिए। तो वो कैसे बनाना? उसका इंफॉर्मेशन जीनोम के पास है। मैंने जीनोम की दो कॉपीज बना ली। अब जब सेल डिवाइड हुआ, एक कॉपी ये सेल के पास गई, एक कॉपी ये सेल के पास गई। तो दोनों सेल आत्मनिर्भर है, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। सो नाउ द सेल इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स। तो ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, क्या क्या आया सीक्वेंस ऑफ इवेंट में? ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सिंथेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, एंड देन डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल। इसको बोलेंगे सेल साइकिल। समझ में आया? सेल साइकिल में कितनी चीजें आ गई? नंबर वन, ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम। नंबर टू, सिंथेसिस ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और नंबर थ्री, डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। ये स्लाइड क्लियर है? तो सेल साइकिल मतलब ये सब कुछ जो जो भी हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे देखो, एक सर्क्यूलर सेल साइकिल दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये बड़ा सा क्या दिख रहा है? इंटरफेस। कैन यू सी इंटरफेस? इसको हमने नाम दे दिया है एस।
एस का मतलब होता है सिंथेसिस, तो इंटरफेस के बाद सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। किसका सिंथेसिस कर रहा है, जीनोम का सिंथेसिस कर रहा है, जितने भी क्रोमोसोम्स थे सबका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है ताकि डॉटर सेल को भी मिल सके। तो इंटरफेस मतलब क्या, देखो इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, तो एक सेल डिवीजन हुआ और उसके बाद दूसरा सेल डिवीजन हुआ, पर उसके बीच में क्या होना चाहिए, उसके बीच में इंटरफेस होना चाहिए। तो दो सेल डिवीजन के बीच का जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेस, इसको कभी कभी रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, बट एक्चुअली सेल यहाँ पे रेस्ट नहीं कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, सेल अपने डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार कर रहा है। क्यों दूसरी कॉपी तैयार कर रहा है, क्योंकि जब एक में से दो सेल बनेंगे डिवाइड होके, दोनों सेल के पास पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इट इज जस्ट लाइक टेकिंग आउट अ ज़ेरॉक्स, ठीक है। अगर मुझे ये बुक का इंफॉर्मेशन दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका ज़ेरॉक्स निकालूंगी। इंटरफेस में वही हो रहा है, डीएनए का ज़ेरॉक्स निकल रहा है। इस प्रोसेस को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। याद करो लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, करेक्ट, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, ओके, वो होगा सिंथेसिस या तो इंटरफेज में, ओके। अब एस के बाद क्या आया, एस के बाद आया गैप टू फेज। गैप टू फेज मतलब यहाँ पर भी डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी प्रिपरेशन हो रही है। देखो आपने क्रोमोसोम्स तो बना लिए, डीएनए तो बना लिए, लेकिन सेल डिवीजन के लिए बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होंगे। तो अभी तो आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आया है, अब वो इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के प्रोटीन भी तो बनाने पड़ेंगे ना। अभी तो हमने खाली रेसिपी इकट्ठी की, अब क्या करना पड़ेगा, सामान इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर उसको कुक करना पड़ेगा, तब तो जाके डिश खाने मिलेगी। तो वो जो सामान इकट्ठा करना और कुक करना वो होगा गैप टू फेज में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, फिर क्या हुआ, मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, इंफॉर्मेशन यूज करके प्रोटीन बनाया। बायोलॉजी की भाषा में इसको बोलोगे ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन मतलब डीएनए में से प्रोटीन बना। अब ये सारे प्रोटीन हमारे पास रेडी हो गए, अब सेल डिवीजन करेंगे। तो अब आएगा डिवाइडिंग फेज, समझ में आ रहा है। तो पहले क्या आया, इंटरफेस, फिर क्या आया, गैप टू, अब क्या आएगा, अब आएगा डिवाइडिंग फेज। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में देखो, माइटोसिस थोड़ा सिंपल वाला है, मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है। तो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे फेजेस में, वो हो रहा है तो कंटिन्यूस, ठीक है। सेल एक बार जैसे ही डिवाइड करना शुरू करेगा कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा, पर हम उसको अच्छे से पढ़ सके इसलिए हमने उसको छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर दिया है। कौन से फेजेस हैं, सबसे पहले है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। देखो जब सेल डिवाइड होता है ना, तो सेल डिवीजन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोलोगे इसको, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको बोलोगे कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको बोलोगे साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। पर जो कैरियोकाइनेसिस है उसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो, किसमें डिवाइड कर सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। कौन से चार फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। अब इससे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, अब मुझे दो डॉटर सेल मिल गए जिनके पास बराबर बराबर इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है।
अब सेल अभी अभी डिवाइड हुआ है ना, तो तुरंत डिवाइड होगा वापस से? नहीं होगा। अभी सेल डिवीजन खत्म हुआ है तो अब सेल फिर से रेस्टिंग करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? गैप वन बोलेंगे, जीवन फेज बोलेंगे। तो जीवन मतलब क्या? जीवन मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जीवन मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है? हाँ, देखो मैं वापस से आपको समझाती हूँ, एक बार ऐसा है तो बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ। आपका ये जो सेल था, ठीक है, समझो ये है मेरा पेरेंट सेल, ओके? ये पेरेंट सेल को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके ये क्या बनाएगा? डिवाइड करके ये दो डॉटर सेल बनाएगा। पर इसको डिवीजन के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए इसको। कौन सी दो चीजें? एक तो चाहिए इंफॉर्मेशन, जैसे मुझे केक बनानी है तो मुझे केक की रेसिपी चाहिए, और दूसरा उसको चाहिए सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना? अगर मुझे केक बनानी है तो मुझे मैदा चाहिए, शक्कर चाहिए, एग चाहिए, तो ये दोनों चीजें चाहिए। तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है? इंफॉर्मेशन है जीनोम में, पर इंफॉर्मेशन की एक ही कॉपी है ना हमारे पास, सेल्स कितने हैं? दो हैं। तो पहले हमको जीनोम का क्या करना पड़ेगा? ड्यूप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हमने वो ड्यूप्लीकेशन कब किया? हमने वो ड्यूप्लीकेशन G2 फेज या तो सिंथेसिस फेज में किया। S फेज में हमने इसका ड्यूप्लीकेशन किया, इसको बोलेंगे S फेज या तो गैप टू फेज, ठीक है? अब ये इंफॉर्मेशन तो तैयार हो गई, अब हमको क्या करना पड़ेगा? सो अब हमको उसका सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो भी होगा उसके बाद में। अब ये सब भी हो गया, अब क्या होगा? अब होगा सेल डिवीजन। तो अब एक्चुअल सेल डिवीजन आया। पहले हमने क्या करा? पहले सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करी। सेल डिवीजन को वापस मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन से कौन से? कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो बाद में होगा। पहले क्या होगा? पहले होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पर उसके और सब पार्ट्स हैं। जो न्यूक्लियस का डिवीजन है ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन से पार्ट्स हैं वो? अगेन देखो, सेल डिवीजन दो तरह के हो सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो अभी हम सिर्फ माइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो जब मैं माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की बात कर रही हूँ, उसमें कौन से स्टेजेस आएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब ये फेजेस में क्या होगा? ये ही मेन है, तो वो हम ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पर ये ओवरव्यू क्लियर है? तो देखो, गैप टू हो गया, फिर सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो गया, अब क्या होगा? अब सेल अभी अभी डिवाइड हुआ है ना, तो अब वो दोबारा डिवाइड नहीं कर सकता, उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी डिवीजन के लिए। तो अब वो वापस चला जाएगा कहाँ पे? गैप वन फेज में, ठीक है? तो गैप वन फेज में डिवीजन नहीं हो रहा है, तो जो हम सेल साइकिल बोलते हैं वो कैसे शुरू? देखो, बेसिकली उसमें दो स्टेजेस हैं, कौन से? एम फेज और इंटरफेज। एम मतलब जब वो डिवाइड हो रहा था, इंटरफेज मतलब जब वो डिवाइड नहीं हो रहा था। इंटरफेज को वापस आप कितने फेजेस में डिवाइड कर सकते हो? G1, S और G2, ठीक है? इसको लिख के करेंगे दोबारा से। तो जो आपका सेल साइकिल है, सेल साइकिल में टोटल कितने फेजेस हैं? सेल साइकिल में एक है डिवीजन फेज, जिसको आप बोल दो M फेज, ठीक है? तो M फेज मतलब डिवाइडिंग फेज, और दूसरा जो फेज है वो क्या है? इंटरफेज। दूसरा फेज है इंटरफेज, जहां पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब ये जो एम फेज है, जहां पे सेल डिवाइड हो रहा है, देखो अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइम लेंगे डिवीजन के लिए। जैसे ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगा, पर ह्यूमन सेल कितना टाइम लेगा?
24 आवर्स लेगा सेल डिवाइड करने के लिए. अब ये 24 आवर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल कहाँ पे है, इंटरफेस में है. 95% ऑफ द टाइम इज टेकन बाय इंटरफेस. इंटरफेस ने कितना टाइम ले लिया, 95%. डिवाइड कब हो रहा था, ओनली ड्यूरिंग 5% ऑफ टाइम. तो डिवीजन का खाली 5% ही है, बाकी सारा टाइम कहाँ गया, प्रिपरेशन में गया. इतनी सारी क्या प्रिपरेशन हो रही है, देखो डीएनए को रेप्लिकेट करना है और बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने हैं. तो इंटरफेस को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया किस में, गैप वन एस एंड गैप टू. करेक्ट. एक होगा G1 फेज जिसको बोलोगे गैप वन फेज, दूसरा होगा एस फेज और तीसरा होगा G2 फेज. इतना क्लियर है? ओके. अब इंटरफेस को वैसे तो रेस्टिंग फेज बोलते हैं, पर सेल यहाँ पे रेस्ट नहीं कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है. सेल ग्रोथ हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ताकि वो आगे जाके डिवाइड कर सके. अब यहाँ पे सिंथेसिस के बाद क्या होता है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी. और एक और होता है G0 फेज, वो भी पढ़ेंगे डिटेल में. G1 में सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, करेक्ट. पर डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में होगा, ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस G1 में हो जाएगा, लेकिन डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा एस फेज में. डॉटर सेल बनी गयो, अबे डॉटर सेल ने बीजी बदी जो जरूर से ए गैप हुआ. हाँ, ओके. तो ये है आपका सेल साइकिल जो मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया. फटाफट बता दो कौन से दो फेजेस हैं उसमें. यूकैरियोटिक सेल को कितना टाइम लगता है, ईस्ट को कितना टाइम लगेगा, 90 मिनट्स. ओके. अब ये जो सेल्स हैं उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसमें 90-95%, देखो अलग अलग रेफरेंस बुक आपको अलग अलग नंबर देंगे, तो 90-95% इज रेस्टिंग फेज और इंटरफेज. मतलब एडल्ट्स, जो मैमल्स के एडल्ट सेल हैं, दे स्पेंड 20 आवर्स इन इंटरफेज, जो कि 90-95%. खाली 4 आवर्स ही सेल डिवाइड हो रहा है, बाकी के 20 घंटे क्या कर रहा है, इंटरफेस में है, प्रिपरेशन कर रहा है सेल डिवीजन की. ओके. एक और डायग्राम देखो यहाँ पे, अ गुड वन. डायग्राम दिख रहा है सबको? यस. चलो यहाँ से शुरू करेंगे हम. कहाँ से शुरू करेंगे, एक काम करते हैं माइटोटिक से शुरू करते हैं. तो एम फेज में कितनी चीजें हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है. सेल देखो यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ और डिवीजन होके दो सेल बन गए, ठीक है. सेल साइकिल का कितना टाइम इसमें गया, 3 आवर्स एंड 31 मिनट्स. कितना टाइम गया, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स. मैमल सेल की बात हो रही है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ओनली 4-5% ऑफ द साइकिल टाइम. अब वो कहाँ गया, अब वो गया G1 फेज में. G1 फेज में क्या हो रहा है देख लेते हैं. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ड्यूप्लीकेट्स ऑर्गेनल्स एंड साइटोसोलिक कॉम्पोनेंट्स. देखो ये था आपका पेरेंट सेल, ये है दो डॉटर सेल, इनके पास अभी सिर्फ न्यूक्लियस है. अब क्या बनना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें बनने चाहिए. तो सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव. 8-10 घंटे लगेंगे सारे ऑर्गेनल बनाने में, साइटोसोल बनाने में और जो भी उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स है वो बनाने में. अब वापस अगर ये सेल को डिवाइड होना है, देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल डिवाइड होता ही रहे, इट कैन डिसाइड के होना है या नहीं होना. मैम न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएगा माइटोटिक फेज में, उसके बाद सेल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब बाद में होगा. हाँ, क्योंकि वन फेज में, G1 फेज में, क्योंकि उसका जो इंफॉर्मेशन है ना वो न्यूक्लियस में है. तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन जरूरी है.
अब वो इंफॉर्मेशन यूज करके बाकी सारी चीजें जीवन फेज में बन सकती है. ओके फिर यहाँ पे कितना टाइम लग गया, 8 to 10 hours लग गए. अब डिपेंड करता है कि ये कौन सा सेल है. सपोज ये न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स कभी डिवाइड नहीं होते, एक ही बार डिवाइड होते हैं तो फिर वो इंटरफेज में नहीं जाएगा. अब वो कहाँ चला गया, G0. ये जो G0 है इसको क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं, अभी आएगा आगे. तो G0 सेल मतलब G0 फेज मतलब वो सेल साइकिल के साइकिल में से ही निकल गया. जैसे अगर एक एग्जांपल देके समझाऊं, ऐसा बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि जीवन और मृत्यु का चक्र होता है. मैंने जन्म लिया, फिर ग्रो किया, आई वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस, टीनेज, एडोलेसेंस, एडल्ट, बुढ़ापा, व्हाटएवर, एंड देन आई विल डाई एंड देन आई विल टेक रीबर्थ, फिर से जन्म होगा मेरा. तो ये चलता रहेगा, जन्म मृत्यु चलता रहेगा. लेकिन कुछ लोगों को मोक्ष मिल जाता है. मोक्ष मिल गया मतलब वो ये जीवन और मृत्यु के साइकिल में से ही बाहर निकल गए. नाउ दे विल नॉट बी रीबॉर्न एज एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ना तो वो ह्यूमन, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी नहीं बनेंगे. वो एस्केप हो गए जीवन मृत्यु के साइकिल से. वैसे ही ये जो सेल है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया न्यूरॉन्स का, तो वो जो न्यूरॉन्स है वो सेल साइकिल के साइकिल में से ही बाहर निकल गए. अब वो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे. कौन बार बार डिवाइड करता रहेगा, गैमेट्स बार बार डिवाइड करते रहेंगे, है ना. जब एग बनना है, जब स्पर्म बनना है, तो बार बार सेल डिवीजन होगा, तो वो बार बार ये सारे स्टेजेस को क्रॉस करेगा. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक ही बार डिवाइड होते हैं, दोबारा डिवाइड नहीं होंगे, तो दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द सेल साइकिल. वो कौन से स्टेज में चले गए, G0 स्टेज में चले गए. इसको क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं. अब ये सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है. अच्छा, जिसको डिवीजन करना है वो क्या करेगा, वो वापस गया इंटरफेस में. कितना बड़ा है इंटरफेस, 8 hours. क्या हो रहा है यहाँ पे, DNA और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है. क्या बोलेंगे इसको, एस फेज, क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे एस फेज. अच्छा, डीएनए तो आपको पता है कि इट इज योर जीनोम, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. सेंट्रोसोम में क्या हो रहा है, याद करो, सेंट्रोसोम डिवाइड करके दो सेंट्रियोल बनेंगे. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कंफ्यूज, सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम दो अलग अलग वर्ड्स हैं. कैसे, तो सेंट्रोसोम क्या है, देखो, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है. सेंट्रोसोम, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. तीन टर्म्स हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सेंट्रोसोम ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट है. एक सेंट्रोसोम डिवाइड होके दो सेंट्रियोल बनाएगा, और ये सेंट्रियोल क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम को पुल करेंगे सेल डिवीजन के वक्त. तो इनका काम क्या है, पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम इक्वेटर. कहाँ थे क्रोमोसोम, सेंटर में थे, वहां से ये कहाँ ले गया इनको, पोल्स पे ले गया, टू पोल्स, ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है, कब हुआ ये, ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो ये तो हो गए आपके सेंट्रोसोम. दूसरा एक टर्म है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का मतलब क्या है, नाम ही कैसे आया, क्रोमा का मतलब होता है कलर. तो जब आप सेल को स्टेन करोगे तो जो डार्कली स्टेन बॉडीज हैं, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिख रही है, उसको बोलेंगे क्रोमोसोम. क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है. डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा ना हमने. सो डीएनए इज नथिंग बट न्यूक्लिक, स्पेलिंग, न्यूक्लिक एसिड. ये क्या करता है, इसमें सारे जीन स्टोर्ड है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है, तो दैट इज क्रोमोसोम. अच्छा, क्रोमोसोम के दो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हैं,
जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं क्रोमोजोम, और जब वो खुला हुआ है तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। याद है पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में, तो ये हो गया आपका क्रोमोजोम और क्रोमैटिन। इसके अलावा एक और वर्ड है सेंट्रोमियर, याद आ रहा है क्या था सेंट्रोमियर, क्या था? करेक्ट, देखो आपका जो क्रोमोजोम है ना वो ऐसा दिखता है, यहाँ पे मैं एक क्रोमोजोम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ योर क्रोमोजोम लुक्स। आई डोंट हैव माय पेन टैब टुडे सो माय ड्राइंग कैन बी हॉरिबल, नो इट्स नॉट दैट हॉरिबल एक्चुअली। ये जो बीच में मैंने बनाया ब्लू कलर का वो था सेंट्रोमियर, और ये जो मैंने बनाया ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम के क्या हैं, ये क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड्स हैं, दो हैं, देखो है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हर एक क्रोमोसोम के पास, अभी ये दिस इज वन क्रोमेटिड, देखो मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दो क्रोमेटिड को किसने साथ में पकड़ के रखा हुआ है, सेंट्रोमियर ने पकड़ के रखा हुआ है। क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड सेंट्रोमियर, ठीक है, सारी अलग अलग टर्म्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके देन आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। तो अब ये हमारा सेल 8 आवर्स तक इंटरफेज में रहेगा, क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट होने में टाइम लगता है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं 10^9 के ऊपर बेस पेयर्स हैं, समझ रहे हैं, 10^9 इट्स अ बिग नंबर, तो उसको रेप्लिकेट होने में टाइम लगेगा। अब रेप्लिकेशन हो गया तो पहले हमारे पास कितना डीएनए था, पहले हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो था 2C, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, 2C। 2C का मतलब क्या है, हमारे पास हर जीन के दो दो कॉपीज थे। अगर मैं बोल रही हूँ इंसुलिन जीन, दो कॉपी, अगर मैं बोल रही हूँ एक्टिन जीन, दो कॉपी, मायोसिन जीन, दो कॉपी, हर चीज की हमारे पास दो दो कॉपी थी। तो एक्चुअली हमारे पास कितना डीएनए था, 2C। अब ये रेप्लीकेट होके कितना बन गया, 4C। समझ में आ रहा है, रेप्लीकेट होके कितना बन गया, 4C। जब आप सेल डिवाइड होगा तो 2C एक डॉटर सेल को मिलेगा, 2C दूसरे डॉटर सेल को मिलेगा, मतलब कुछ भी आधा आधा नहीं हुआ, सबके पास पूरा पूरा गया, आधा आधा कुछ नहीं गया, क्योंकि आधा जाता तो आधा इंफॉर्मेशन मिलता ना, तो सबके पास क्या गया, पूरा इंफॉर्मेशन गया। ओके, तो इंटरफेज में रेप्लिकेशन हो गया, अभी और 6 घंटे की देर बाकी है माइटोसिस के पहले। अब ये 6 घंटे में क्या हो रहा है, ये है G2 फेज, जहां पे सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सेल का साइज बड़ा होगा, उसमें एंजाइम्स बनेंगे, उसमें प्रोटीन्स बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीजें अब बनेंगी, ठीक है। तो G2 फेज क्या है, अगेन इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ माइटोटिक फेज, जिसमें सेल ग्रोथ होगा, एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, अब वो सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए, समझ में आया। तो अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो M टू M के बीच में जितनी भी चीजें आ गई वो सब सेल साइकिल, ठीक है, आपने M से शुरू किया और M पे ही वापस आ गए, उसके बीच में जो भी हुआ, G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, वो सब आ गया सेल साइकिल के अंदर। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ओके, बेसिक प्रोसेसेस इन सेल रिप्रोडक्शन। तो जब सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए,
सेल ग्रोथ होना चाहिए। आप कोई भी चीज ले लो, जैसे कि कोई फ्रूट है, कच्चा कच्चा फ्रूट नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? No. वो फ्रूट पहले पक्का होगा, फिर उसमें से सीड्स निकलेंगे, फिर वो सीड जर्मिनेट होगा। कच्चा फ्रूट नया प्लांट नहीं दे सकता। इसी तरह से सेल ग्रोथ होना चाहिए। सेल ग्रोथ की जब मैं बोल रही हूँ, सेल ग्रोथ हो रहा है तब क्या हो रहा है? पीरियड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंड डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो सेल के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड था, पेरोक्सीजोम्स थे, ये सारी चीजों का डुप्लीकेशन होना चाहिए, है ना? जब बंटवारा होता है तो हर चीज का होना चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, कुछ रह नहीं जाना चाहिए। तो उसका सिंथेसिस डुप्लीकेशन कब हो रहा है? सेल ग्रोथ के वक्त या तो जी टू के वक्त हो रहा है। ओके, देन व्हाट इज नेक्स्ट? पहले सेल ग्रोथ होगा, फिर सेल डिवीजन होगा। तो अब ये जो सेल है ये ग्रो करके एडल्ट सेल बन गया है। अब ये एडल्ट सेल डिवाइड होने के लिए रेडी है। डिवाइड होके क्या बनाएगा? टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल बनाएगा हमेशा, कभी भी सन सेल नहीं बनाएगा, है ना? तो यहाँ पे मेल डोमिनेशन नहीं है, यहाँ पे फीमेल डोमिनेशन है। तो जो भी एक पेरेंट सेल जब भी दो सेल बनाएगा उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो दो तरह के फेजेस हो गए, एक हुआ एम फेज और दूसरा हुआ इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर कौन से फेजेस आए? G1, S एंड G2। ओके, तो इंटर का मतलब बीच में, एक सेल साइकिल और दूसरे सेल साइकिल के बीच में जो टाइम निकाला वो बोलेंगे इंटरफेज। रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं उसको, लेकिन रेस्टिंग फेज के वक्त जैसे मैंने बहुत बार बताया ये रेस्ट नहीं कर रहा है, ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है। जैसे आज आप 8 बजे स्कूल आए, 8 से 4 आपने स्कूल में पढ़ाई की, 4 आवर सेल डिवीजन हुआ, फिर घर जाके सो थोड़ी जाना है। घर जाके क्या करना है? होमवर्क करना है, पढ़ना है, डाउट सॉल्विंग करना है, ड्रॉइंग्स करने हैं, सम्स करने हैं। सो यू आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। आप स्कूल में नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ नहीं रहे, आप घर पे भी कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं। सो इन रेस्टिंग फेज ऑल्सो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बायोसिंथेसिस हो रहा है और एनर्जी फेज। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, नेक्स्ट सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होगी। तो जो भी ये इंटरफेज है पूरे सेल साइकिल का कितना परसेंट है? 90 to 95%। अलग अलग रेफरेंस बुक आपको अलग अलग परसेंटेज देंगी जो 90 to 95% के बीच में होगा। ओके, अब ये जो गैप वन फेज है, जीवन फेज, गैप वन फेज को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट माइटोटिक। माइटोसिस के बाद हुआ ना, इसलिए पोस्ट माइटोटिक, और एस के पहले हुआ इसलिए इसको क्या बोलोगे? प्री सिंथेटिक। और क्योंकि यहाँ पहली बार ग्रोथ हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट ग्रोथ फेज, जीवन फेज। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बना? आरएनए बना। आरएनए किसमें से बनता है? डीएनए में से बनता है। और जब डीएनए में से आरएनए बनता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिर से एक बार हम ये सारी चीजें रिपीट कर देते हैं। देखो, जब डीएनए में से डीएनए बना तो उसको क्या बोलोगे? रेप्लिकेशन। जब डीएनए में से आरएनए बना तो उसको क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन। 12th में वापस पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें। और जब आरएनए में से प्रोटीन बना तो उसको क्या बोलोगे? प्रोटीन तो हीमोग्लोबिन है। ट्रांसलेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? कोई सा भी प्रोटीन बना तो उसको क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, याद रखना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन रही है। क्या क्या बन रहा है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए हुआ, फिर कार्बोहाइड्रेट्स,
फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। अब जो सेल है वो बड़ा होके डबल हो गया उसके साइज का, ठीक है। अब उसमें ऑर्गेनल्स भी बनेंगे। कौन से ऑर्गेनल्स बनेंगे आप बताइए, कौन से ऑर्गेनल्स बनेंगे? डीएनए में से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आरएनए में से प्रोटीन को ट्रांसलेशन, डीएनए तैयार ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब कुछ बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, ऑर्गेनल, पर क्या नहीं बन रहा है? डीएनए नहीं बन रहा है। वो सिर्फ कब बनेगा? एस फेज में बनेगा, अभी नहीं बनेगा, है ना। तो सेल ग्रो हुआ, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, साइटोप्लाज्म बढ़ा, साइज बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन डीएनए उतना का उतना ही है, ठीक है। डीएनए कब बनेगा? एस फेज में बनेगा। सो डीएनए एस फेज में क्या हो रहा है? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। क्रोमेटिड्स आर जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या था अभी बताया था ना आपको? तो देखो क्रोमोसोम कैसा दिखता है, एक बार देख ले क्रोमोसोम कैसा दिखता है। थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये है क्रोमोसोम। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये दो आर्म्स है क्रोमोसोम के, ये है एक आर्म, ये है दूसरा आर्म, जिसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड बोलेंगे। इतना क्लियर? यस। अब ये तो हमने कंडेंस कर करके बनाया ना क्रोमोसोम, पैकेजिंग कर करके कंडेंस करके, इसको मैंने खोल दिया तो ये क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन बन जाएगा। खोल दिया तो क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन है ये एक्चुअली दो चीजों का बना हुआ है। कौन सी दो चीजें? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन, तो डीएनए तो आपको पता है एसिडिक है। अब एसिडिक डीएनए को मैंने बहुत बार लपेट दिया किसी चीज पे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना स्ट्रक्चर। उसको स्टेबलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बेसिक प्रोटीन चाहिए। तो वो जो बेसिक प्रोटीन है वो ये है, देखो। तो ये बेसिक प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन है। क्या नाम है ये बेसिक प्रोटीन का? हिस्टोन। अब हमने क्या किया, ये बेसिक हिस्टोन लिए और ये एसिडिक डीएनए लिया और उसको लपेट दिया बेसिक हिस्टोन के आजू बाजू। समझ में आया? एक बेसिक हिस्टोन लिया, डीएनए लपेटा, आगे बढ़े। दूसरा बेसिक हिस्टोन लिया, डीएनए लपेटा, आगे बढ़े। ऐसे कर करके हमने ये क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पर ये जो डीएनए है ये बेसिकली क्या है? बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर पढ़ा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, और बीच में ये क्या दिख रहे हैं? ये नाइट्रोजन बेसिस है, है ना, ATGC। तो अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई। रिवर्स ऑर्डर में जाओ, जो डीएनए है उसको हमने वाइंड किया किसके ऊपर? हिस्टोन के ऊपर। तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को फर्दर कंडेंस किया, क्या बन गया? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को फर्दर कंडेंस किया, क्या बन गया? क्रोमोसोम्स। किसका बना हुआ है? सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड? दो क्रोमेटिड। क्लियर? सेम चीज को मैं तीन चार बार बता रही हूँ क्योंकि ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम किसके बने हैं? न्यूक्लियोसोम्स के। न्यूक्लियोसोम्स किसके बने हैं? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के। डीएनए कैसा है? एसिडिक। हिस्टोन प्रोटीन कैसे है? बेसिक। और फिर ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है, जहां पे दो स्ट्रैंड्स हैं और बीच में बेस पेयर्स हैं। तो वापस आते हैं विद दैट नॉलेज ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, हिस्टोन प्रोटीन, वापस आते हैं यहाँ पे। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, डीएनए कहाँ था? क्रोमोसोम में था। और क्या हुआ था? सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हुआ था जो सेंट्रियोल बनाएगा। और
क्योंकि डीएनए को कंडेंस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, बेसिक प्रोटीन। नाम क्या है इनका, स्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन भी कब बनेंगे, एस फेज में बनेंगे। नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, देखो प्रोटीन सिंथेसिस गैप टू में होता है, एस फेज में नहीं होता है। पर एस फेज में कौन से प्रोटीन बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। क्या करते हैं, डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं। तो जो डीएनए को स्टेबलाइज करने वाले प्रोटीन है वो तो एस फेज में बनेंगे, पर बाकी कोई प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम कंटेंट अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं ह्यूमन हूं तो मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, एस फेज में 46 क्रोमोसोम के 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, पर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। 2C का क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको, yes. बहुत ध्यान से समझना, क्रोमोसोम नंबर रिमेंस सेम बट कंटेंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, 2C का 4C। ठीक है, एस फेज हो गया, सिंथेसिस हो गया डीएनए का, डीएनए अमाउंट बिकम्स डबल, अभी भी सेल डिवीजन के लिए रेडी नहीं है। अब वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, प्रोटीन बनाएगा। कौन से प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर्स, जो कि क्रोमोसोम्स को लेके जाने वाले हैं सेंटर से लेके पोल्स तक। वो सारे प्रोटीन्स अभी बनेंगे, आरएनए बनेंगे। तीन तरह के आरएनए बनेंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए। 12th में पढ़ेंगे उनके बारे में। सिंथेसिस होगा, किसका सिंथेसिस होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो एटीपी भी अभी सिंथेसाइज करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डुप्लीकेट हो जाएंगे, पहले अगर आपके पास 4 थे तो अब 8 हो जाएंगे। और क्या होगा, डैमेज्ड डीएनए इज रिपेयर। अच्छा, डीएनए डैमेज कैसे हो गया, देखो बहुत सारी चीजें होती है जिनको बोलते हैं म्यूटाजन। कोई यूवी रेडिएशन आ गई, कुछ और ऐसा आ गया जिसने आपके डीएनए को डैमेज कर दिया। हो सकता है उसका कोई बॉन्ड तोड़ दिया, हो सकता है उसका कोई नाइट्रोजन बेस चेंज कर दिया। ऐसा डैमेज डीएनए डिवाइड करके दूसरे को नहीं देंगे, तो पहले उसका क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। तो सेल डिवाइड होने के पहले बहुत कुछ एंश्योर करेगी कि ओके, स्पिंडल प्रोटीन्स रेडी, डीएनए अमाउंट डबल, एटीपी रेडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड रेडी, डीएनए में कोई डैमेज है रिपेयर कर दो। अब वो डिवाइड होना शुरू करेगा। हो सकता है कि वो डिवाइड हो ही ना, वो कहाँ चला जाएगा, गैप जीरो, G1 से G0 फेज में चला जाएगा, जिसको बोलेंगे क्वाइसेंट स्टेज। क्वाइसेंट स्टेज में वो अगर गया, मतलब अब यहाँ पे गैप टू के बाद उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो G0 में जा सकता है या तो वो डिवीजन में जा सकता है। तो G0 मतलब अब उसको डिवाइड करना ही नहीं है। सो G0 इज द सेल विच इज नोन, द स्टेज विच इज नोन एज क्वाइसेंट स्टेज। तो मतलब अब वो जीवन का जीवन में ही रहेगा, अब वो एस में नहीं जाएगा, एस में नहीं जाएगा तो एम में भी नहीं जाएगा, G2 में भी नहीं जाएगा। तो जीवन से वो कहाँ चला गया, G0 में चला गया, मतलब अब वो आजीवन जीवन में ही रहेगा। इट विल नॉट गो टू एस फेज। या तो फिर अगर वो, तो व्हेन G2 इज कंप्लीटेड, इट द सेल एंटर्स अ रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर डिवीजन विच इज कॉल्ड माइटोसिस। तो या तो वो माइटोसिस में जाए, माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद वापस से वो इंटरफेज में जाएगा, या तो हो सकता है कि वो G0 में चला जाए, मोक्ष ले ले। अब उसको डिवीजन भी नहीं करना, सिंथेसिस भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रहा है G0 स्टेज, ओके। अब होगा M फेज या तो माइटोटिक फेज।